के 6 जिलों में 3 चरणों में हुए पंचायत चुनाव मतदान के बाद अब निगाहें 4 सितंबर को होने वाली मतगणना पर है। वहीं पिछले 3 दिन से बाड़ेबंदी में रहे कांग्रेस प्रत्याशियों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक करीब 1800 लोग बाड़ेबंदी में हैं। पंचायत चुनाव, सियासत और मौज मस्ती, जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा है प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद। प्रदेश के ये 6 जिले जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही कांग्रेस विधायकों की ओर से अलग अलग रिजॉर्ट्स और होटलों में बाड़ाबंदी की गई है। बाड़ाबंदी का जिम्मा भले ही विधायकों के कंधों पर हो, लेकिन कहा जा रहा है कि होटल्स और लग्जरी रिजॉर्ट में ठहरने और सैर सपाटे का खर्च कांग्रेस के संभावित जिला प्रमुख और प्रधान पद के उम्मीदवारों के जिम्मे है। सूत्रों के मुताबिक 6 जिलों में कांग्रेस की तरफ से जिला प्रमुखों के संभावित उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, इस पर अंदर खाने सहमति बन चुकी है और संभावित दावेदारों को भी बता दिया गया है, जिसके बाद ही जिला प्रमुख और प्रधान पद के संभावित दावेदार अप्रत्यक्ष तौर पर बाड़ाबंदी का खर्च उठा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के 6 जिलों में लगभग 1800 कांग्रेस प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं, जिन पर प्रतिदिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में सभी 1800 लोग 6 सितंबर तक बाड़ाबंदी में रहेंगे। 200 जिला परिषद सदस्य और 1564 पंचायत सदस्य के उम्मीदवार बाड़ाबंदी में हैं। 6 सितंबर तक बाड़ाबंदी में रहने के दौरान खर्च का आंकड़ा करोड़ों में होने की बात भी कही जा रही है। इस खर्च में लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स का किराया, खाना और मौज मस्ती पर होने वाला खर्च में शामिल है। ऐसा नहीं है कि पंचायत चुनाव में ही कांग्रेस विधायकों की ओर से बाड़ाबंदी की गई हो। इससे पहले बीते साल नवंबर में जयपुर समेत 6 नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने अपने अपने पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की थी, जिन्हें बेहद लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स में ठहराया गया था। उस दौरान भी पार्षद तकरीबन 1 सप्ताह तक बाड़ाबंदी में रहे थे, जिन पर रोजाना लाखों रुपए खर्च होने की बात कही गई थी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।